हरे कृष्ण। गलम ने देखा किस प्रकार से सुग्रीव वाली से बहुत ही ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित थे, लेकिन एक दिन जब वाली ने अपना रेगुलर नित्य क्रम सुग्रीव के सर के ऊपर अपने पैर रखने का शुरू किया, वाली ने अपनी पहली सुबह की जंप ली सुग्रीव को त्रस्त करने के लिए, बूम, और वाली सुग्रीव के सर के ऊपर टच करने ही वाली है, जस्ट इंचेस अबव, वाली ने देखा उनका पूरा देह जस्ट फ्रीज हो गया, वो हिल ही नहीं सक रहे हैं। सुग्रीव भी देख रहे हैं, अरे मैं तो समझ रहा था वाली अभी धम्म करेगा, कुछ हुआ ही नहीं है। वो देखते हैं ऊपर, वाली का पैर है और वाली का पैर हवा में लटक रहा है जहां पर अभी अभी उनका सर था, और वाली के लिए दिस इज अ मोस्ट कॉमिकल मोमेंट, अरे हाउ एम आई डैंगलिंग इन एयर, मैं जंप मार सकता हूं लेकिन हवा में तैर तो नहीं सकता। लेकिन वाली देख रहे हैं उनकी बॉडी पूरी फ्रीज हो गई है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने देखा कि उनके दोनों पैरों को दो महाबलशाली हाथों ने पकड़ करके रखा है, और ये देख करके कि अरे ये क्या हो गया, ये वाली भी देख रहे हैं और सुग्रीव भी देख रहे हैं। सुग्रीव ने देखा किसने पकड़ा है, वो भी वाली को, अरे हनुमान। वाली और सुग्रीव दोनों देखते हैं कि हनुमान ने वाली के दोनों पैरों को पूरी तरह पकड़ करके रखा हुआ है, और वाली आगे बढ़ना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू जंप बट ही इज नॉट एबल टू, ट्राई हाउ मच। एंड द वर्स्ट वॉज हनुमान जी वाली को नीचे लाने लगे ऋषिमुख पर्वत को टच कराने के लिए, और वाली अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न कर रहा है, मुझे यहां से निकलना है, मुझे यहां से निकलना है, मुझे यहां से निकलना है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, ही इज नॉट एबल टू मूव नो मैटर हाउ मच ही ट्राइज। लेकिन यहां पर वाली देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है, वह कहते हैं अरे तुम कौन हो और मैंने तुम्हारा क्या किया है, तुम मुझे इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हो। लेकिन ये व्यक्ति हनुमान सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुग्रीव को पता ही है हनुमान है, वाली को पता नहीं है ये हनुमान है, तो तुम कौन हो और ये ऐसा क्यों कर रहे हो। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, हनुमान जी नीचे नाने लगते हैं, एंड दिस टाइम सुग्रीव सॉरी वाली इज इन सच ए प्रिकेरियस कंडीशन, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक भी धूली का कण ऋषिमुख पर्वत का वाली के पैर को टच हो गया, भूम, उसी समय सब राम नाम सकते हैं, सब समाप्त। और यहां पे ये वानर अपने दोनों हाथों से वाली को पूरा नीचे खींचे जा रहा है, एंड वाली इज इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन, ही नोज इफ ही डज नॉट एक्ट नाउ ही वोंट लिव टू टेल द स्टोरी ऑल्सो। वाली ने अपनी पूरी ताकत लगाई, एवरी इंच ऑफ एवरी आउंस ऑफ स्ट्रेंथ जो भी था उड़ने के लिए, फिर भी वाली कुछ नहीं कर पाए, एंड एट दैट टाइम ही वॉज कर्सिंग हिमसेल्फ कि ये क्या हो रहा है, जो मैं सुग्रीव के सर पर वैक 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 करके लात मार करके भागता था, आज कोई तो सुग्रीव का सेवक मुझे पकड़ करके सुग्रीव के सामने नीचे ला रहा है। सुग्रीव भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, वाली कुछ भी नहीं कर रहे। एंड एज हनुमान जी वॉज अबाउट टू टच, वाली डिड वॉट ही रियली हेटेड, ही सेड आई एम सॉरी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं यहां फिर से कभी नहीं आऊंगा, सुग्रीव को कभी तंग नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है। ये वचन सुन करके हनुमान जी ने वाली को नीचे खींचना बंद कर दिया, यहां तक आ गए थे हनुमान जी, इतना इतना बाकी था, बोले एकदम विद अ मेनेसिंग आईज, आंखों में क्रोध लेकर के हनुमान जी बोले ठीक है इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम एक बार भी अगर सुग्रीव को तंग करने की सोचोगे भी तो याद रखना तुम्हारा सामना मुझसे है,
ऐसा कह करके हनुमान जी ने वाली को उछाल दिया, और वो जो वाली को उछाला, वाली ने अब तक जितने ऊंचे जंप लिए थे उसके डबल वो ऊंचे गए। इतना कि वाली को जहां पर हनुमान जी ने उछाला उसके बाद वाली को लैंड करते हुए वाली को थोड़ा सा दर्द हुआ था, इतना उछाला। सो वाली चला गया और सुग्रीव देख रहे हनुमान, व्हाट यू डिड। हनुमान जी कहते हैं, स्वामी आपको मेरे होते सी वाली नाउ नॉट इवन हैज टू फियर मातंग ऋषि's curse, ही हैज टू फियर मी। और जब तक मैं हूं आपका कोई बाल विवाह का नहीं हो सकता। तो हनुमान जी हमेशा सुग्रीव के सेवक रहे। हनुमान जी कहते हैं कि आप एक साधारण वानर की तरह रहेंगे तो आप तो वानरों के राजा हैं, आप एक साधारण वानर की तरह भयपूर्वक रहेंगे तो आप अपनी आंखों में स्वयं गिर जाएंगे, इस प्रकार से जी के क्या फायदा होगा। प्लीज अपने कर्तृत्व, अपने प्रभुत्व, अपने तेज, अपने शौर्य को जगाइए। वानर सेना को आपके लीडरशिप की जरूरत है। हनुमान जी इतनी असीम शक्ति होने के बावजूद भी हमेशा नम्र, सात्विक और साधे रहते। वे देखते उनके स्वामी सुग्रीव में भी कई सारी गुण दोष थे, लेकिन जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐसी कि जिससे माजरा बहुत बिगड़ जाए ऐसी नहीं हो, तब तक हनुमान जी सुग्रीव को कुछ नहीं कहते, और जब कहना होता भी तो भी केवल सत्य बोलते और बहुत ही मतलब प्रमाणित रूप से बोलते कि सुग्रीव को कुछ भी कहा बुरा न लगे। बट सिंस द टाइम हनुमान जी हैड शोन दैट स्ट्रेंथ टू कंट्रोल वाली, सुग्रीव के आंखों में हनुमान जी की जो नजर है, उनका प्रेम है, उनके जो रिस्पेक्ट है, वो और बढ़ गई थी। हाउ डिड हनुमान कम टू सर्व और बी विद सुग्रीव, ये हम देखेंगे कल। हमारे साथ बने रही है। हरे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात